पाकिस्तान और प्रीमियर लीग की जो 17 और 18 नंबर की मैच होने वाला है, बहुत ही एक बिग मैच होगा और बहुत ही एक इनकम की मैच होगा ये मैच हमारे लिए और आपके लिए भी। तो ये जो दो मैच है 17 और 18, दोनों मैच ही आप लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। तो ये जो 17 नंबर की जो मैच है, पहली मैच के बारे में बात करता हूँ, तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट उठाने के लिए रहना वीडियो के अंत तक और देखते रहना कौन सा टीम जीतने वाला है। तो ये जो 17 नंबर की मैच है, ये 17 नंबर तो मैच अटकने वाला है। इस साल जो PSL है, PSL की जो सबसे बड़ा दो टीम है, मुझे लग रही है अब तक जो लग रही है बहुत ही, ये जो लाहौर क्वालिटियर्स और ये जो क्वाइटा ग्लेडियर्स यानी सरफराज अहमद की टीम, ये दो टीम इस साल PSL की बहुत ही एक जबरदस्त और बहुत ही अच्छी टीम है। लेकिन ये जो लाहौर है, लाहौर की जो परफॉर्मेंस रहा है अब तक उतना खास नहीं रहा है। 5 मैच खेला है, सिर्फ 3 मैच जीता है और पॉइंट टेबल जो है वो चौथी पर है, पॉइंट टेबल चौथी पर है। तो और ये जो क्वेटा है, क्वेटा तो 5 मैच खेला है, 4 मैच से जीता है, सिर्फ 1 मैच हारा है ये क्वेटा ग्लेडियर्स से। तो ये जो दो टीम है, दोनों टीमों के पास ही अच्छे अच्छे प्लेयर है, एक तरफ एबी डिविलियर्स, एक तरफ है शेन वाटसन, राइली रोशो। तो बहुत ही जबरदस्त दो टीम ही एक अच्छी टीम है। तो एक तरफ है ये जो फखर जमान है और एक तरफ है सरफराज अहमद। तो बहुत ही एक अच्छी दो टीम है, ये दोनों टीम ही अच्छी टीम है। तो ये जो पहला मैच है इस दो टीमों की, जो लाहौर और क्वेटा के बीच जो पहला मैच हुआ था वो तो शारजा पर हुआ था, और शारजा पर जो मैच हुआ था उस मैच में तो लाहौर हार गया था, सिर्फ 3 विकेट से हार गया था ये जो क्वेटा है, क्वेटा के पास साथ। तो और ये जो सरफराज अहमद जिस तरह से बैटिंग किया था पिछले मैच में, बहुत ही शानदार बैटिंग किया था, ये सरफराज अहमद के लिए ही मैच जीता था। लेकिन मेरी एनालिसिस थी वो उस मैच में, वो है लाहौर के साथ, लेकिन वो मैच तो सरफराज अहमद की जो शानदार बैटिंग लाइन है, बैटिंग लाइन के लिए वो मैच जीत गई थी। विकेट तो गिर गया था, जल्दी में विकेट गिर गया था, जो शेन वाटसन, राइली रोशो जो खतरनाक दो बैट्समैन है वो गिर गया था। लेकिन उसके बाद जो सरफराज आके जिस तरह से मैच को निकाला, बहुत ही शानदार खेला है सरफराज अहमद ने, एक अच्छी और जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक्सपीरियंस जो कप्तान है वो प्रूव करके दिखाया है उस मैच में कि सरफराज अहमद कुछ है, उसके पास कुछ है, तो इसीलिए तो वो एक बड़ा प्लेयर है। तो और ये जो लाहौर है, लाहौर की टीम भी अच्छी टीम है, एंटोनी डिवाइस है और उसमें से कॉरी एंडरसन भी आ चुका है इस टीम के साथ। तो ये जो एबी डिविलियर्स है, एबी डिविलियर्स की जो टीम है एक अच्छी टीम है, एबी डिविलियर्स तो एक अच्छे फॉर्म में है, देखा होगा कि बीपीएल में कितना अच्छा खेला है ये एबी डिविलियर्स ने। लेकिन ये जो PSL है, PSL में अब तक वो उस तरह की मैच जो है वो नहीं खेला है एबी डिविलियर्स, लेकिन शायद खेल सकती है किसी भी मैच पर ये प्लेयर धमाका कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्लेयर बड़ा बड़ा मैचों में बड़ा बड़ा मैच खेलता है। आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूँ कि ये जो बिग बिग प्लेयर है, बिग बिग मैच में बहुत ही अच्छे खेलता है और बहुत ही सबसे अलग खेलता है ये बड़ा बड़ा प्लेयर। तो ये जो मैच होने वाला है बहुत ही अच्छी मैच होगा। तो इस दो टीम की जो की प्लेयर है आप लोगों को तो मालूम ही है, एक तरफ है सरफराज अहमद, एक तरफ है एबी डिविलियर्स, शाहीन वाटसन, राइली रोशो, और उस तरफ है फखर जमान, सोहेल अख्तर, और ये जो कॉरी एंडरसन है, एंटोन डिवाइस है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है, दो टीमों पर ही अच्छे अच्छे प्लेयर है। और ये जो मैच है, ये मैच बहुत ही बिग मैच होगा, और ये मैच तो दुबई पर होगा, और दुबई की जो पिच है उससे पिच की जो फास्ट इनिंग एवरेज स्कोर हो सकती है वो है 160 से 150 से 160 हो सकती है इस पिच की फास्ट इनिंग एवरेज स्कोर, और सेकेंड इनिंग्स की एवरेज स्कोर हो सकती है 160 से 170। यानी कि जो भी टीम PSL में चेजिंग करेगा वो टीम जीतने की ज़्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि PSL में जो भी टीम जैसे जैसे टीम है, जिस तरह के प्लेयर है, सभी टीमों पर अच्छे अच्छे प्लेयर है, चेजिंग करने के लिए आसानी पे आसान प्लेयर है। दो एक टीम को छोड़ के कराची किंग्स और ये जो मुल्तान सुल्तान, इससे ये सब टीम को छोड़ के सभी टीम जो है वो चेजिंग की लायक है, चेजिंग की तारीफ है ये सब टीम। और ये जो इस्लामाबाद है वो तो एक शानदार टीम है चेजिंग करने के लिए। तो ये जो मैच है लाहौर और क्वेटा के बीच जो मैच होगी, बहुत ही बड़ा मैच होगी और बहुत ही बिग मैच होगी, बहुत ही मजा आएगा इस मैच में। तो इस मैच में जो है वो जो पिछले मैच में हुआ था, लास्ट बॉलों तक मैच हुआ था, लास्ट बॉलों पर खेल रहा था सभी प्लेयर, तो इस मैच में भी वही होगा, लास्ट बॉल तक जो है वो मैच होती रहेगी। और ये जो मैच होगा बहुत ही अच्छी मैच होगा। तो इस मैच में मैं जाना पसंद करूंगा वही कि
ये जो मैच है इस मैच में आप लोगों को जरूर फायदा होगी और जरूर प्रॉफिट होगी। लाहौर में लाहौर लाहौर लेके जिस भाई ने पिछले मैच में लॉस किया था, इस मैच में मैं उस भाई को लाहौर लेके ही जो है वो प्रॉफिट उठा के दूंगा। यानी कि मेरी जो विनिंग टीम रहेगी 17 नंबर मैच की वो है लाहौर को ऑल इंडियर्स, यानी कि एबीडी विलियर्स की जो टीम है, एबीडी विलियर्स की टीम ये जो लाहौर है, लाहौर विन ऑफ दिस मैच है 17 नंबर की। तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरी तरफ से लाहौर विन ऑफ दिस मैच। तो बात करते हैं जो 18 नंबर की मैच है, 18 नंबर की मैच के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 18 नंबर मैच है, ये मैच तो रखने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, जिसकी प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है इस साल। और ये जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की प्रदर्शन तो ठीक रहा है, अच्छी रहा है इस साल। लेकिन ये जो कराची किंग्स है, इसकी प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। और ये जो कराची किंग्स है, कराची किंग्स की अगर बात करो पिछले साल की, तो कराची किंग्स ने पिछले साल अच्छी खेला था। जो फास्ट में जो है वो तो एक मैच खराब खेला था, लेकिन बाद में जो मैच खेला था बहुत ही अच्छी खेला था। लेकिन उसके बाद में जो मैच खेला था, 2-3 मैच जो हुआ था सेकेंड राउंड पर, या फिर जो होता है ना क्वालिफायर, क्वालिफायर मैच जो खेला था कराची किंग्स ने बहुत ही बुरी तरह से खेला था और मैच PSL से निकल पड़ा था। तो ये जो कराची किंग्स एक अच्छी टीम है, लेकिन ये जो कराची किंग्स है, कराची किंग्स एक मेरी तरफ से जो है वो एक बॉलिंग टीम है, लेकिन बैटिंग भी आ चुका है इसके पास इमामुल हक जैसा। पाकिस्तान के जो इमामुल हक बहुत ही एक अच्छी बैट्समैन है। मुझे बहुत ही अच्छी लगता है क्योंकि ये जो है इमामुल हक वो ग्लास पड़ती है, तो बहुत ही अच्छी लगता है इमामुल हक को। और बहुत ही ठंडे दिमाग से खेलता है, उतना गर्म दिमाग होके नहीं खेलता है ये जो कराची किंग्स की जो इमामुल हक है। और ये जो इमामुल हक के साथ है आमिर जो है, मोहम्मद आमिर है, ये जो इमाद वसीम है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है इस टीम के साथ। सिकंदर रेजा है, कॉलिन मुनरो है, बाबर आजम है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है। और पिछले मैच में तो कॉलिन इंग्रम ने बहुत ही अच्छी खेला था। कॉलिन मुनरो अगर फॉर्म में आ जाए तो ये टीम भी एक लाजवाब टीम बन सकती है, बहुत ही शानदार टीम बन सकती है, किसी भी टीम के ऊपर भारी पड़ सकती है। तो ये जो कराची किंग्स की जो पिछले मैच था उसकी बात करूँ तो बहुत ही अच्छी खेला था, बहुत ही अच्छी खेला था। सिर्फ 59 बॉलों पर 127 रन किया था ये जो कॉलिन इंग्रम है। 12 बार छह मारा था ये जो कॉलिन इंग्राम ने, तो बहुत ही एक अच्छी फॉर्म में आ चुका है ये जो कॉलिन इंग्राम है। तो कॉलिन मुनरो भी आ जाए तो इस टीम का जो होगा ना वो क्या बताऊं कि सोना पे सुहागा हो जाएगी इस टीम के लिए, क्योंकि ये जो दो हीटर है और लिविंगस्टोन जो है वो ये इस टीम की जो लिविंगस्टोन है ये भी फॉर्म में नहीं है, बाबर आजम भी फॉर्म में नहीं है। लेकिन लिविंगस्टोन जो है वो पहला मैच तो अच्छी खेला था, लेकिन उसके बाद कोई भी मैच में रन नहीं पा रहा है। तो ये जो टीम है बहुत ही अच्छी टीम है, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही एवरेज है इस टीम की। और अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद को तो सब लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद जो टीम है ना वो एक ऑलराउंडर टीम है, 6-7 प्लेयर जो है वो ऑलराउंडर है। तो इस टीम की एक सबसे बड़ा जो शक्ति की बात है वो है कि इस टीम की जो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर तो आप लोगों को मालूम है कि अगर जिस दिन बैटिंग पर नहीं देखा पाया तो उस दिन बॉलिंग पर दिखाएगा, और जिस दिन बॉलिंग पर नहीं देखा पाएगा तो उस दिन बैटिंग पर देखा पाएगा। तो ऐसा ही होता है ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर बहुत ही खतरनाक होती है और क्या बात हो गया, बहुत ही एक अच्छी होती है, क्योंकि ऑलराउंडर तो ऑलराउंडर ही होती है, सबसे अलग होती है। लेकिन इस टीम की और सबसे बड़ी एक कमज़ोर है वो है कि अगर किसी भी मोमेंट आता है कि मैच को शांति से खेलना है, मैच को निकालना है, एक बिग स्कोर खड़ा के दिया है ऑपोजिट टीम ने, उस स्कोर को चेजिंग करना है, तो इस तरह से प्लेयर नहीं है कि धीरे शांति से धीरे से खेल के वो बिग शॉट खेले, ऐसे प्लेयर इस्लामाबाद के पास तो नहीं है। क्योंकि जो है वो ऑलराउंडर है, सिर्फ लुकी रोंची जो है, लुकी रोंची को छोड़ के, ये जो लुकी रोंची है, लुकी रोंची ये जो मोहम्मद आमिर, इसको छोड़ के तो इस इस्लामाबाद की मोहम्मद आमिर नहीं, मोहम्मद सामी, रुमान रेस जो है, इसको छोड़ के सभी प्लेयर जो है वो ऑलराउंडर है इस्लामाबाद की। और इस्लामाबाद की जो मोहम्मद सामी है, मोहम्मद सामी के साथ तो पार्टनर हो चुका है रुमान रेस, ये भी अच्छे फॉर्म में है पाकिस्तान के बॉलर। तो ये जो दो टीम है, कराची किंग्स और ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, दोनों टीम ही अच्छी है। और ये जो मैंने आप लोगों को बोला था कि PSL में आप लोगों को जो मैच है उसमें से 30-30 मैच जो है वो आप लोगों को पास करके दूंगा, तो उस तरह ही जा रहा है। तो देखते हैं
क्या होता है लास्ट में जाके क्या होता है इस साल PSL में, तो PSL में मैं बोला हूँ पहले भी, ये पिछले वीडियो में मैं बोला था आप लोगों को कि ये जो सेकेंड राउंड होने वाला है, सेकेंड राउंड में बहुत ही इधर उधर हो जाएगा, तो सावधानी से खेलना है हम लोगों को। तो ये जो मैच रहेगा कराची किंग्स और ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो पिछले दो मैच था वो तो जीत चुका है, तो ये जो कराची किंग्स है ये भी अच्छे प्रदर्शन किया है, तो इससे दो टीमों की जो प्लेयर सब कुछ देखते हुए मुझे जो लग रही है, मैं अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ। तो इसके पहले एक बात बताना चाहूँगा कि वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है, तो शॉर्ट करने वाला हूँ, और आप लोग भी बुरी बोरिंग होता है होती हो। तो ये जो मैच है, ये जो 18 नंबर की मैच है इस इस्लामाबाद यूनाइटेड और ये जो कराची किंग्स के साथ, तो इस मैच में मैं जाना पसंद करूंगा वो ही की, और मुझे जितना इन्फॉर्मेशन है, मुझे जितना पता है कि ये जो मैच है वो टीम जीतने वाला है वो ही की कराची किंग्स विन ऑफ दिस मैच, यानी कि जो 18 नंबर की मैच है वो कराची किंग्स विन रहेगी मेरी तरफ से। ये तो मेरी तरफ से 100 100, और बोलो तो मैं कराची किंग्स के साथ ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि कराची किंग्स अगर पहले बैच करे तो मैच थोड़ा सा तो मुश्किल में पड़ना होगा कराची किंग्स को, लेकिन बाद में अगर बैट करती है कराची किंग्स तो 100% ये कराची किंग्स ही मैच को विन कर लेगी, देख लेना आप लोग। लेकिन मेरी तरफ से ये जो मैच है वो कराची किंग्स से टॉस जीतेगी, और टॉस जीत के वो पहले बॉल करना पसंद करेगी और मैच भी जीतेगी कराची किंग्स, तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरी ओपिनियन रहा है कराची किंग्स, और जो 17 नंबर मैच है वो तो मैं बता चुका हूँ एबी डिविलियर्स, तो रहना इसे दो टीमों के साथ, जरूर आप लोगों को फायदा होगी। और अगर टॉस होती है, बिगेस्ट स्कोर हो जाती है, तो इधर उधर तो करना ही है, लॉस कट करना है, वो तो आप लोग मेरे से अच्छे जानते हैं आप लोग, तो देखते हैं क्या होता है। तो रहना दो टीमों के साथ, चलते हैं आज के लिए। और अगर कोई भी नया भाई आया है मेरे चैनल पर, अब तक है मेरे साथ अगर देख रही है, तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है मेरी अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ही मत भूलना दोस्तों। और जो है भैया की आपके भाई के चैनल, आपके भाई की वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि दूसरे भाई को जानने के भी मौका कर देना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो एक खास बात है वो पिछले आगे की वीडियो में बताऊंगा, वो है कि वर्ल्ड कप को लेके और IPL को लेके एक खास बात मैंने इन्फॉर्मेशन आई है मुझे, वो बात आप लोगों से आगे की वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।